प्रदेश सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नई रेल लाइन को मंजूरी मिलने से करनाल और यमुनानगर का सफर आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस लाइन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। करनाल में रेलवे अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि करनाल से यमुनानगर के लिए परिवहन के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है और रेल मार्ग द्वारा यमुनानगर वाया अंबाला होकर जाना पड़ता है। इससे यात्रियों को 121 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि करनाल से यमुनानगर सीधे सड़क मार्ग से 67 किलोमीटर की दूरी है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय के इस संयुक्त प्रोजेक्ट पर लगभग 884 करोड़ रुपए की लागत आएगी। करनाल से पैसेंजर जाता था, उसको वाया अम्बाला होकर जाना पड़ता था। अब हरियाणा सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, तो ये करनाल से वाया इंद्री और जो अपना पश्चिमी यमुनानगर का जो पुल बना है उसके पास से ये होके गुजरेगा NDRI और उसके बीच से, और ये लगभग 60 या 70 किलोमीटर का सफर रह जाएगा। तो करनाल वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी कि उनका समय भी बचेगा और उसका किराया भी कम रहेगा। वहीं यात्रियों का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और इस क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। साहब ने बहुत बड़ा तोहफा दिया हमारे को, ये हरिद्वार जाना हो यमुनानगर जाना हो, हमें बहुत परेशानी होती थी, बस सर्विस बहुत कम है, तो ये बहुत ही फायदे की बात होगी हमारे लिए और बहुत खुशी की बात है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे CM साहब का जिन्होंने हमारे को ये सौगात दी। अम्बाला से जाते थे जी, कोई घूम के जाना पड़ता था, तब बस सर्विस नहीं थी, लोगों को अपनी टैक्सी हायर करके जानी पड़ती थी, तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। खुशी की बात है हमें करनाल को सौगात मिली। इसके लिए मैं अपने रिसेंटली आज ही जैसे मैं अपने बेटे को छोड़ने चंडीगढ़ जा रहा है बेटा, तो उसको छोड़ने आया, तो ऐसा हमें यमुनानगर हरिद्वार आगे कहीं भी जाना हो तो हमें उसके लिए बहुत सुविधा है। लोगों का समय बचेगा, टाइम पैसा बचेगा, उससे फैसिलिटियाँ मिलेंगी, लोगों का आने जाने व्यापार बढ़ेगा, तो ये बहुत खुशी है, बहुत अच्छी पहल की है जो सरकार ने हुई है करनाल में।